दिवाली पर आतिशबाजी होने की वजह से दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद ही जहरीली हो गई है। दरअसल 25 अगस्त 2022 की सुबह दिल्ली में हवा की गुणवत्ता यानी AQI 323 दर्ज की गई, वहीं नोएडा में AQI 342 दर्ज किया गया, जो बेहद ही खराब है। इसके अलावा दिल्ली के जहांगीरपुरी में हवा में प्रदूषण सामान्य के मुकाबले 10 गुना ज्यादा था। जहांगीरपुरी के पास AQI दिवाली की रात करीब 10:30 पर 770 पर पहुंच गया था। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में AQI 245 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब है। गुरुग्राम के बाद दिल्ली के आनंद विहार में AQI 374 रहा, जो इंसानी सांसों के लिए बेहद ही जहरीला है। अब बात आती है कि कितना AQI इंसानों के लिए ठीक है और हवा में कितना प्रदूषण इंसानों के लिए खतरनाक है। तो आपको बता दें कि 0 से 50 AQI अच्छा है, 51 से 100 AQI संतोषजनक है, 101 से 200 AQI मध्यम माना जाता है, 201 से 300 AQI खराब माना जाता है, 401 से 500 के बीच AQI गंभीर माना जाता है। हालांकि दिवाली पर पिछले साल के मुकाबले इस साल कुछ कम प्रदूषण रहा। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पिछले साल दिवाली पर दिल्ली में AQI 382 था, जबकि वर्ष 2020 में यह आंकड़ा 414 था। वर्ष 2019 में दिल्ली का AQI 337 रहा और 2017 में दिल्ली का AQI 319 था। हालांकि दिवाली पर दिल्ली की हवा जहरीली होना कोई नई बात नहीं, पिछले साल भी कुछ ऐसा ही आलम रहा था। पटाखों पर बैन के बावजूद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जिससे हवा में प्रदूषण और बढ़ गया।